बढ़ती महंगाई के खिलाफ झारखंड में कांग्रेस द्वारा सुनियोजित कार्यक्रम के तहत 14 नवंबर से 29 नवंबर तक जन जागृति अभियान के तहत कांग्रेसियों ने गांव और शहर शहर पदयात्रा कर संगोष्ठी एवं नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। कांग्रेस नेता शिवाकांत पांडे ने बताया कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आदेश का पालन करते हुए निरसा विधानसभा के कांग्रेसियों ने 14 नवंबर से निरसा के सुदूर गांवों में कांग्रेस जन जागरण और लोगों को जागृत करने की मुहिम चला रही है। केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल है और भारत के धरोहर को बिक्री करने पर आमादा है। बीते दिनों 3 कृषि कानून को जिस तरह वापस लिया वह आम किसानों के लिए नील का पत्थर साबित होगा। वहीं कांग्रेसी नेता छात्रवली भुइया ने बताया कि केंद्र से लेकर राज्य तक जनता में त्राहिमाम मची हुई है, महंगाई के तले लोग दब चुके हैं। इसी उद्देश्य को लेकर पूरे झारखंड में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत निरसा के दर्जनों गांवों का दौरा कर लोगों को जागृति की गई, ताकि राज्य में भाजपा सरकार के चरित्र को आमजनों तक पहुंचाया जाए। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि 29 नवंबर तक जारी रहेगा और इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। कांग्रेस पार्टी संघर्षों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी है, मजदूरों की है, गरीबों की है। हमने अंग्रेजों से लड़ा, लड़ाई हमारे डीएनए में है। हमने अंग्रेजों से लड़ा और उसे 7 समुद्र पार भेजने का अवकात किया, ताकत रखा। आज ये मोदी सरकार जिस तरह से हिटलर शाही और तानाशाही दिखा रही है किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, हमारे यहाँ नौनिहाल बच्चों के ऊपर, जिनको कि समय अनुसार दूध नहीं मिल पाता है, शिक्षा नहीं मिल पाता है, जो पढ़ चुके हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसलिए ये संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक इस सरकार के दोहरी नीति, थूकने और चाटने की जो इसकी आदत बन चुकी है, कल की उदाहरण आप देख लो, किसानों के लिए पहले ये थूका, बाद में उसको चाटा। इस सरकार को जब तक हम लोग उखाड़ के नहीं फेंकते हैं, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे और बिल्कुल नहीं बैठेंगे। संघर्ष हमारी जारी रहेगी। हम लोग बहुत जोर शोर से इस जन जागरण अभियान को गांव, शहर, गली मोहल्ले में लेकर के जा रहे हैं और वहां के लोगों को बीजेपी सरकार की जो गलत नीतियां हैं, उनका जो गलत बढ़ा हुआ सिस्टम है, उनके खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हम लोग कांग्रेस पार्टी जाकर के जन जन तक यह संदेश देना चाहते हैं। और अभी बहुत जोर शोर से पूरे प्रखंड में अभियान चलेगा।